दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि चाइना में कई सारे वेबसाइट बैंड हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और भी कई सारे वेबसाइट। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक पे डिटेल में बताने वाला हूँ कि चाइना की इंटरनेट सेंसरशिप, जो कि ग्रेट फायरवॉल के नाम से जानी जाती है, वो काम कैसे करती है। इन सभी की अल्टरनेट, रिप्लेसमेंट, बायपास वगैरह सभी के बारे में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है आंसू और आपका मेरे इस टेक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जो हमारे डेमोक्रेसी की तरह काम नहीं करती। उनका प्रेसिडेंट परमानेंट है, तो वहाँ डेमोक्रेसी की तरह ह्यूमन प्राइवेसी राइट्स, फ्रीडम टू स्पीच चाइना में नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेट पब्लिक ओपिनियन के लिए एक बहुत बड़ा टूल है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी अपना ट्रेंड्स चलाती है, प्रोपेगेंडा चलाती है, जिससे कि पब्लिक ओपिनियन बदल जाता है और फिर सरकारें भी बदल जाती है। पर चाइना ने यह सब बंद कर रखा है। चाइना में इस तरह से रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट इंटरनेट में बोलने पर जेल भी हो जाती है जर्नलिस्ट को। तो इसी वजह से चाइना में सेंसरशिप है। जैसे कोई स्पेसिफिक कीवर्ड्स या कोई टॉपिक्स हो जो चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो और चाइनीज गवर्नमेंट को पसंद ना हो, तो वो ब्लॉक हो जाती है। और नॉर्मली फॉरेन कंपनी इन सब रेगुलेशंस के साथ चल नहीं पाती। और चाइना के लोकल वेबसाइट को प्रमोट करने की स्ट्रेटेजी के कारण भी विदेशी कंपनी चाइना में अपने पैर जमा नहीं पाती। चाइना कॉपीकट करने में भी माहिर है। कोई भी फॉरेन कंपनी का बिजनेस आइडिया लेकर खुद की कंपनी बना देने में चाइना का बहुत एग्जाम्पल है। जैसे गूगल के बदले बाइडू है, फेसबुक के बदले रेनरेन है, ट्विटर के बदले वीबो है, व्हाट्सएप के बदले वीचैट है, जीमेल के बदले क्यूक्यू मेल है, ईबे, अमेज़न के बदले अलीबाबा, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। सिर्फ इंटरनेट में ही नहीं, दूसरे बिजनेस मॉडल में भी कॉपीकैट है। जैसे उबर के बदले डीडी चेक्सिंग। ये सब कंपनी चाइना के खुद के होने के कारण लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होती है और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता है। और फॉरेन कंपनी के बदले सेंसरशिप लगाने में भी ये वेबसाइट्स चाइनीज गवर्नमेंट को ज्यादा मदद करती है। इसलिए नॉर्मली फॉरेन वेबसाइट को सीधे ब्लॉक ही कर दिया जाता है। लगभग 18 से 20 हजार वेबसाइट चाइना में ब्लॉक हैं। ये सब ब्लॉकिंग गवर्नमेंट ऑफ चाइना ही करती है। और इसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह फेमसली ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। लगभग चाइना की इंटरनेट की सारी ट्रैफिक इसी फायरवॉल से होकर गुजरती है। और ब्लॉकिंग के भी कई तरीके हैं। जैसे पहला तो सिंपल यूआरएल ब्लॉकिंग और उसके बाद आईपी ब्लॉकिंग। पर ये सब तो बायपास करना आसान है, तो चाइना के पास और भी तरीके हैं। जैसे कनेक्शन रीसेट कर दे या DNS पॉइजनिंग कर दे, जिसे हम DNS स्पूफिंग भी कहते हैं। इसमें DNS रिकॉर्ड में वेबसाइट के IP एड्रेस को ही गलत कर दिया जाता है, तो वेबसाइट खुलेगा ही नहीं। इसके अलावा डीप पैकेट इंस्पेक्शन भी होता है कि HTTPS इनक्रिप्टेड वेबसाइट में कोई कीवर्ड ऐसा ना हो जो चाइनीज गवर्नमेंट को पसंद नहीं हो, तो वो भी सीधे ब्लॉक हो जाती है। इसी तरह से कई तरीकों से ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना इंटरनेट ट्रैफिक पे नजर रखती है और इसे ब्लॉक भी करती है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि प्रॉक्सी या VPN सबसे ब्लॉक्ड वेबसाइट खुल जाती है, पर चाइना VPN को भी ब्लॉक करता है। लगभग सारे फेमस VPN वहाँ ब्लॉक हैं। तो ये ब्लॉक बायपास की रेस में फायरवॉल की यूजली जीत ही होती है, क्योंकि चाइना ने इंटरनेट ट्रैफिक पर नजर रखने के लिए पूरी की पूरी आर्मी ही बना रखी है। लगभग 30 लाख लोग सारे इंटरनेट ट्रैफिक पर नजर रखते हैं और सेंसरशिप को कायम रखते हैं। इसी तरह से चाइना इंटरनेट को कंट्रोल कर रहा है, फॉरेन कंपनी को बाहर फेंक के और लोकल कंपनी को सपोर्ट करके। और लोकल वेबसाइट जैसे रेनरेन और वीबो, ये सब चाइना के रूल के अनुसार सेंसरशिप लगाता है। तो सभी खुश हैं, लोकल बिजनेस भी फल फूल रहा है और गवर्नमेंट के खिलाफ कोई पोस्ट भी नहीं है। यहाँ तक कि चाइनीज गवर्नमेंट पीपल के ओपिनियन को गवर्नमेंट के पक्ष में करने के लिए पोस्ट डालने के लिए पे भी करते हैं, और अगेंस्ट में पोस्ट डालने पर जेल। तो चाइना के लोगों को इंटरनेट सेंसरशिप का उतना पता भी नहीं चलता, क्योंकि उनका ओपिनियन गवर्नमेंट के पक्ष में है। और लगभग सारे वेबसाइट भी मिल रहे हैं, गूगल के बदले बाइडू, यूट्यूब के बदले इकी या योकू, ट्विटर के बदले वीबो। फॉरेन कंपनी को ब्लॉक करने से वहाँ की लोकल कंपनी बहुत ग्रोथ कर रही है, जैसे शॉपिंग में अलीबाबा, एप्स और गेम्स में टेंसेंट, जिसका वीचैट, क्लैश ऑफ क्लैन, पबजी जैसे ऐप्स हैं। वीचैट तो वहाँ 700 मिलियन लोग यूज करते हैं। वीचैट में एक ही ऐप में उनको चैटिंग, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन जैसे रेनरेन, वीबो, ट्रांसलेशन, मोबाइल पेमेंट सब एक ही ऐप में मिलते हैं। तो चाइनीज लोगों को सेंसरशिप होते हुए भी इंटरनेट का पूरा एक्सपीरियंस मिल रहा है, और ज्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं कि वो क्या मिस कर रहे हैं। ज्यादातर कंपनी जैसे अलीबाबा, डीडी चेक्सिन, टेंसेंट, बाइडू, ओफो वगैरह अब फॉरेन कंपनी से भी ज्यादा बेहतर हो गए हैं। हालांकि ज्यादातर विदेशी कंपनी चाइना में फेल होती है, पर कुछ कंपनी चाइना में सक्सेसफुल भी है, जैसे KFC, एप्पल, नाइक, स्टारबक्स, इकिया और गूगल का अपना एंड्रॉयड। गूगल का सब कुछ ब्लॉक है, पर एंड्रॉयड नहीं है। एंड्रॉयड फोन आते हैं, पर बिना गूगल एप्स के। तो दोस्तों, ये है चाइना की पॉलिसी, इंटरनेट ब्लॉकिंग और सेंसरशिप ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना, जिससे चाइना अपने सारे सिटीजन्स पर नजर रखता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।